हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 11 एंड आज का जो व्लॉग है वो मैं हमेशा से बनाना चाहती थी, और बोले तो मैं ये चीज़ हमेशा से करना चाहती थी। व्लॉग बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी ये मुझे उस पर पता नहीं था, पर मैं ज़रूर एक बार करना चाहती थी। एक्चुअली मैं आज मैं अपनी मम्मा को ले जा रही हूँ पैम्पर करवाने, क्योंकि देखो मेरी मम्मी की उम्र हो गई है लगभग 52 से 54 के बीच में है मम्मी, और मम्मी आज तक कभी सलों या ऐसी जगह नहीं गई है। तो मैं आज मम्मी को ले जा रही हूँ सलों, और वहाँ पे मैं मम्मी को थोड़ा सा पैम्पर करवाऊँगी, हेयर स्पा हो गया या फेशियल हो गया ये सब करवाऊँगी। जो फेशियल कराने का मोटिव ये नहीं है कि ये बड़े चमक जाएँ, गोरे शोरे हो जाएँ, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब फेशियल कराते हैं तो जो मसाज होती है उससे बॉडी को बहुत रिलैक्स महसूस होता है, और मेरी मम्मी सारा साल इतना काम करती है घर पे, इतना काम करती है, और वो चीज़ मैं करूँगी तो शायद वो इतना इफ़ेक्ट या इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, वो इतना नहीं आएगा। और जो सलून में है वो काफ़ी अच्छे से करते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत बार कराया तो मैं बहुत रिलैक्स हुई थी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी भी वो चीज़ करे, और मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए, अपने आप को पैम्पर तो करना ही चाहिए, रिलैक्स वगैरह होना ही चाहिए। और गांव में जो मैक्सिमम औरतें होती है वो कभी नहीं करती हैं ऐसा, उनको ना तो उनके पास टाइम होता है घर पे कि वो बहुत सारा काम करते रहते हैं, और ना उनकी वो इच्छा होती है, क्योंकि मैक्सिमम बोलते हैं यार बूढ़े हो गए अब क्या करना, किसने देखना वगैरह वगैरह, ऐसी बातें करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको बस गोरा होना है या वो नहीं, इसका है कि थोड़ा रिलैक्स होना है। तो हो सकता है मेरी मम्मी को बहुत लोग ऐसे ही बोले कि ओ माय गॉड देखो बूढ़े हो गए अभी सलून जा रहे, पता नहीं क्या करवाने जा रहे, क्यों जा रहे। तो मम्मी तो बिल्कुल मना कर रही है कि उनको नहीं करना है, उनको ये है ढिमकाना है फमकाना है, पता नहीं क्या क्या बोल रही है। बट मैं चाहती हूँ कि मम्मी को ले जाऊँ और करवाऊँ, इसलिए नहीं कि गोरे हो जाए, बस करवाना है मुझे एक बार, उनको ऐसे फील कराना है कि बस मज़ा आ रहा है वाली बात। तो करवाती हूँ और शॉपिंग भी करवाऊँगी। कुछ एक दो ड्रेस देखी थी मैंने मम्मी के लिए, देखते हैं वो भी मम्मी को पसंद आती कि नहीं आती है, क्योंकि मम्मी होता है ना कि यार ये नहीं पहनना, ये कौन पहनेगा, ऐसा नहीं है थोड़ा सा वो सोच में। तो अभी हम चलते हैं, सीधा जाएंगे सलून और मम्मी का एक्सपीरियंस पूछेंगे, उनको कैसा लग रहा है वो सारा। तो मम्मी रेडी? रेडी। कैसा लग रहा है आपको फिर आज जाने के लिए? मना कर रहे थे आज तो, अभी मना कर लिटरली मुझे बोलती मैं नहीं करवाऊंगी, मुझे नहीं करवाना कुछ भी, बस मैं सूट लूंगी। फिर मैंने थोड़ा गुस्सा किया कि नहीं यार मम्मी क्या है, करो थोड़ा सा, कुछ नहीं होता है, कभी तो करना चाहिए। फिर जाके बोलते कि चलो ठीक है अब लेके जाऊंगी, चलो फिर सलून चलते हैं। मैं जा रही हूँ, मेरी कज़न जा रही है और मम्मी, हम तीन ही जा रहे हैं। तो लेट्स गो, चलो चलो अम्मा चलो, हाँ कराओगे ना जब मैं कराऊँगी? नहीं। क्यों यार मम्मी, मैं तो करवाऊँगी, मैं तो बोल दिया मैंने करवाना है आपका, अभी जाके आपको उसे बिठा देना अंदर और मैं बाहर बोल के आऊँगी ऐसे ऐसे करो। तो ममता दीदी की शादी के बाद जो है मम्मी भी सोलन ही आ गए हैं आजकल, एंड नानी जी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो मम्मी आजकल नानी जी के साथ ऊपर मामा जी के पास रहते हैं। तो मैं कल रात को मामी के पास आ गई थी और मम्मी को ले जाने के लिए, तो आज हम दोनों जा रहे हैं मामा जी के घर से। यहाँ मामा जी का जो घर है वो रमरोग साइड है, तो यहाँ से और जो सलून है वो कोटला नाला में है, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 10 से 15 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। और भैया कैसे हो आप? आज मम्मी का वो करवाना है, कभी तो मैं थोड़ा सा काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों को पानी में मिलाता हूँ रखता ना। ठीक है ओके। तो आज यहाँ पे बहुत रश है, यहाँ मुझे अपॉइंटमेंट करवाना चाहिए था, मैं बोल गई ऐसे ही आ गई, तो लग जाएगा अभी थोड़ा सा टाइम, उसके बाद मम्मी का शुरू करवाते हैं। तो अभी तो यहाँ पे बहुत रश है और उनको बहुत टाइम लगने वाला है, तो तब तक हमारे को जो मार्केट वाला काम है वो हम पूरा करके आते हैं, क्योंकि मम्मी के लिए सूट वगैरह भी लेना है, तो वो निपटा के आते हैं पहले, फिर आके फिर से दोबारा आना पड़ेगा 2:30-3 बजे के करीब। मेरी गलती है, मुझे अपॉइंटमेंट बुक करके आने के बाद मैं कर नहीं पाई।
तो आज मैं मम्मी को लेके आई हूँ पलक साड़ीज, और हमने यहाँ पे मम्मी को लेना है कुर्ता वॉर्म में, और ब्राइट इतना वो ब्राइट कलर नहीं चाहिए। तो हम लोग मम्मी को ये वाला ट्राई करवाएंगे। तो यहाँ पे तो मम्मी को कुछ पसंद नहीं आया, और जो मैंने मम्मी को ट्राई करवाया था कुर्ता, और वो ना ऐसे सूट नहीं कर रहा मम्मी के ऊपर। तो उससे अच्छा मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के लिए सूट ले लेते, वो ज़्यादा ठीक लगे। एक नायलोन वाला कुर्ता था, वो मम्मी को उससे रिएक्शन होता था, वो मम्मी ने नहीं पहनना है। तो अब हम मम्मी के लिए सूट लेंगे। मैं सोचती वो पहना के शायद थोड़ा सा डिफरेंट सा लुक आ जाए, बट वो इतना सूट नहीं कर रहा है। कहीं और देखूँगी अगर और अच्छा मिल जाए तो, क्योंकि वहाँ पर वो कलर था वो भी ज़्यादा इतना अच्छा नहीं। तो अभी मैं मम्मी को लेके आई हूँ आनंद कॉम्प्लेक्स में, और दीदी के पास दिखाएंगे हम कुर्ते मम्मी के लिए। हेलो दीदी। हेलो जी, कैसे हो आप? बढ़िया जी, बढ़िया। मम्मी के लिए कुर्ता पजामा जरूर, पर वो पेंट वाला प्लाजो। पेंट प्लाजो कैसे दो? कुर्ता सेट दूँ? हाँ कुर्ता सेट। तो मैंने पहले बार भी देखा था तो बहुत खुले वाले प्लाजो थे, अभी दीदी के पास नया स्टॉक आया हुआ है। तो आज मैं मम्मी को भी ये कपड़े दिलवाने आई हूँ, देखते हैं मम्मी कैसी लग रही है। वाह मम्मी वाह, बहुत अच्छा लग रहा है आप तो। ये 450 की थोड़ा जच रहा है, और ट्राई करेंगे। मम्मी ये वाला भी ट्राई करो, ये मुझे बहुत पसंद आया था, ये ट्राई करके आओ। तो दो तीन तो अभी मैंने मम्मी को जो है एक दूसरा कुर्ता ट्राई करने के लिए भेजा है, बहुत प्यारी लग रही है। एक जगह हमने और ट्राई किया था, वहाँ पे ना वो जच रहा था, तो ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आप देखिए ना मम्मी कैसी लग रही है, बहुत प्रीटी लग रही है। बस मैं चाहती थी कि मम्मी कुछ ऐसा ट्राई करे, सूट वगैरह तो हमेशा पहनते हैं। मम्मी ने ये वाला ट्राई किया है और वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आज नंदू भैया की चाय फिर से आ गई। अरे वाह, नंदू भाई की जय हो। वाह मम्मी सच में आप बहुत प्यारे लग रहे हो यार, सच में इतने प्यारे लग रहे हो। बताए फाइनल ये नंदू भैया, चाय बहुत अच्छी है आपकी। हाँ जी, पिछले बार भी पी थी हमने। और मैं रियली चाहती थी कि मम्मी को ना इस टाइप का कपड़ा, जब मैंने फर्स्ट टाइम दीदी के शॉप में देखा था ये, मेरा मन में ही आ गया था कि मम्मी के लिए लेना है। और सच में आपने ना बहुत सूट कर रहा है, इससे पहले वाला जो देखा था वो इतना सूट नहीं कर रहा था, बट ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसका प्लाजो भी देखो ऐसा लग रहा है कि बहुत खुला है। वाह मम्मी इतने प्यारे लग रहे हैं, आज तो मेरी मम्मी का पैम्पर्ड डे है पूरा का पूरा। अभी तो हम सलून जाएंगे, आपका हेयर एंड फेशियल वगैरह भी करवाएंगे। मम्मी को फेशियल नहीं कराने दे, कैसे गंदे गंदे मुंह बना रही है। वही तो बोल रही हूँ यार, है ना मम्मी, करवाना है बस, मैंने बोल दिया ना आपको, करवाना है मतलब करवाना है, दैट्स इट। तो फाइनली हो गया है हमारा डिसाइड, ये वाला जो कुर्ता और ये पजामे का सेट है ये हम मम्मी के लिए ले रहे हैं, और ये बहुत जच रहा था मम्मी के ऊपर भी। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। चलो तो यहाँ से वो ले लिया है, अब हम लोग, इन्होंने पता नहीं क्या मक्की की रोटी खानी है बोला, वहाँ जाके खाएंगे। कैसे दिए आंटी? 80 प्लेट है। चार रोटी साग, चार रोटी और साग, दो दो खाओगे आप दोनों? एक प्लेट लगा दो आंटी। हाँ जी खानी है। साग कौन सा, सरसों का या मिक्स? मिक्स जी जी बोल। तो ये ले ली है मम्मी और नोमो ने अपने लिए मक्की की रोटी और सरसों का साग। यहाँ बैठो, इधर यहाँ रखो, सेंटर में, सेंटर में यहाँ बैठो, यहाँ बैठो और बैठ के खाओ। कैसा है? टेस्टी है।
चलो मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा यार, सब टेस्ट किया, मिक्स आ गया, मिक्स। तो पेट पूजा भी हो गई हमारी आज की। पेट पूजा हमने की चिल्ड्रन पार्क में बैठ के, मक्की की रोटी, सरसों का साग। अब हम चलते हैं और वो काम करवाते हैं जिस काम के लिए मैं आई थी स्पेशली। बहुत सारा काम हो गया, पैम्पर हो गया, आज मम्मी का बड़ा भारी। चले हम चलो फिर से वापस पहुंच गए हैं। जब बोला था उन्होंने कि 2:30 बजे आ जाना, तो हम लोग आ गए हैं और अब स्टार्ट करते हैं मम्मी का आज का प्रोसेस। होने वाले हैं मम्मी का हेयर स्पा, तो उसके लिए पहले मम्मी को यहाँ पे बैठ जाओ। मम्मी टोपी खोलो, बाल भी खोलो। काटना नहीं है, काटना नहीं है, बाल नहीं काट, पिछले पीछे रखे, हाँ पीछे रखे अच्छे से, ये वो रखना पीछे से आराम से। यहाँ पीछे गर्दन ऐसे रखो, पीछे का आराम से रखो, बाल नहीं काटेंगे आपको, टेंशन नहीं लो आप। मुझे तो आपको ऐसे देखती है अच्छा लग रहा है मम्मी, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है गाड़ी में दिखी नहीं है कि नहीं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तो आपको और मजा आएगा मम्मी, बहुत मजा आएगा देखना अभी आप, ठीक है? आप इतने खुश हो जाओगे। आपने लेनी मैं मंगा देता हूँ। चाय पीना? नहीं क्या? नहीं तो यहाँ मम्मी ने मुझे पूछा कि ऐसा करने से बाल लंबे होंगे, तो मैंने बोला हाँ। मसाज जो है मम्मी फर्स्ट टाइम कर रहे थे यहाँ पे, जो भी हो रहा था वो मम्मी के लिए सब कुछ पहला था और नया था, तो मैं यहाँ बता रही थी कि मम्मी को ऐसा करो। और जैसे मम्मी ने इसके अंदर पैर लगाया और जैसे ये मशीन स्टार्ट हुई, तो उससे ना मम्मी को ना पैरों में नीचे से गुदगुदी फील हुई। और मम्मी हमने बोली, मैं बोल रही थी कि मुझे बहुत फील हो रहा है, ये नीचे से पैरों में गुदगुदी हो रही है। ये वो फुट मसाजर है मां, तो आप पहली बार लगाया ना इसलिए ऐसा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा आपको? कितने गंदे यार मम्मी, आपको मजा नहीं आ रहा? बताओ एक बार, मिनट सुबह मिनट है तो आपको अच्छा लग रहा है ना? तो फर्स्ट टाइम किया ना, तो आपको थोड़ा ऐसा अजीब ऐसा लग रहा होगा ना, तो जैसे ही मसाज स्टार्ट हुई तो मम्मी को बहुत रिलैक्स फील हो रहा था, तो वो मुझे उनके फेस पे दिख रहा था कि वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे। फिर मम्मी मजा आया ना, इसीलिए लाई। अच्छा शोल्डर मसाज था, मम्मी को सबसे अच्छा लगा क्योंकि इनके शोल्डर में थोड़ा पेन रहता है ना इस करके, पर मैं ये कहती थी आपको मज़ा आए। जरूरी नहीं कि सुंदर लगना या बाल अच्छे हो या इसलिए, बट बॉडी रिलैक्स होती है उसके लिए। अब जो है मम्मी का जो है सेकंड ट्रीटमेंट फेशियल वो करने वाले हैं मम्मी का, तो अभी उसके लिए मम्मी रेडी हो रही है, रेडी होकर यहाँ पे लेट जाएगी और आराम से अपना क्लीनअप करवाएगी, क्लीनअप या फेशियल दोनों में से कोई एक, एंड फिर रिलैक्स हो जाएगी। तो हमारी मम्मी होगी है रेडी, अब इनका यहाँ पे होगा फेशियल, ठीक है माँ? अब आप रिलैक्स करो, मैं बाहर वेट करती हूँ, ठीक है? बाद में आपसे लास्ट में पूछेंगे कि आपको कैसा लगा, ठीक है? अब आप करो, मैं बाहर बाहर बैठती हूँ ना, अंदर आपको नींद आ रही सो जाना, क्योंकि ये करते वक्त ना नींद भी आ जाती है अच्छे से, है ना? मैंने बोला है वो अच्छे से कर देंगे आपका। चलो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। मम्मी के हो गया है सारा काम, मम्मी से पूछती कैसा लगा। तो मम्मी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, मज़ा आया बहुत, सो गए थे आप करते वक्त? हाँ नींद आ गया ना, बस मैं यही कहती थी कि आप ना बहुत मज़ा आया आपको, आपको रिलैक्स। तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया, मम्मी को बहुत बहुत मज़ा आया, सुंदर भी हो गया आप यार थोड़ा सा। हाँ पहले से हूँ।
हाँ वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हो गया हमारा सारा काम और बाय, मैं जा रही हूँ अपने रूम, आप जाओ पर मामा के पास। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने रूम और मम्मी और सोनिका हैं वो मामू के घर चले गए हैं, क्योंकि मुझे जो है कल कहीं जाना है। और मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं कहाँ गई हूँ। तो बस मैं अपना व्लॉग यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।